ICDS परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल सोमवार को महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को ज्ञापन सौंपा। महिला बाल विकास विभाग अधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों, जिनमें प्रदेश के परियोजना अधिकारियों की ग्रेड पे 3600 से बढ़ाकर 4800 किए जाने, पर्यवेक्षकों की ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 किए जाने, TADA बढ़ाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर, वहीं ज्ञापन अनुसार मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आज से ही हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। आपका? मैं कृष्णा स्वामी, पर्यवेक्षक राजपुर परियोजना पदस्थ हूँ और हमारा जो पर्यवेक्षक संगठन है जिला कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष भी हूँ। आज यहाँ कलेक्ट्रेट कैसे आना होगा? आज हम लोग, हमारा संयुक्त मोर्चा खुला है, हम लोग परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक संघ ने हमारी मांगों को लेकर के, जिसका ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे हमारी ये है, हमारा जो ग्रेड पे है सुपरवाइजर को 2400 दिया जा रहा है और परियोजना अधिकारी को 3600 दिया जा रहा है, जिसको बढ़ा करके सुपरवाइजर को 3600 किया जाए और परियोजना अधिकारी को 4800 दिया जाए। फिर है हमारी संविदा पर्यवेक्षक, जो 10 साल से व्यापम परीक्षा पास करके आई है, वो अभी तक उनको नियमित नहीं किया है और न ही अब कोई संविदा पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि इनको नियमित किया जाए। प्रमोशन में भी अभी तक हमारे कुछ सुपरवाइजर, यानी 35 साल से भी सुपरवाइजर के पद पर हैं, उनका आज तक एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है और न ही हमारे परियोजना अधिकारियों का प्रमोशन हो रहा है। हमारा पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर का प्रमोशन किया जाए। यात्रा भत्ता 2016 से अभी तक किसी को यात्रा भत्ता भुगतान नहीं हुआ है। यात्रा भत्ता हमारा नियमित किया जाए, जैसे भ्रमण नियमित हमको डालना पड़ते हैं, वैसे हमारा TADA भी हमको मिलना चाहिए। क्या कहा सर से बात हुई आपकी? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी से बात हुई, उन्होंने बोला है कि कुछ मांगों पर विचार हो रहा है और पूरी हो सकती है। बड़वानी से विजय निगम की रिपोर्ट।